भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक यानी डॉक्टर्स डे दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर नीमा एसोसिएशन मुरादनगर के नगर अध्यक्ष डॉक्टर तोमर एवं महासचिव डॉक्टर फहीम सैफी ने अपने अपने क्लिनिक पर निशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर राजपाल तोमर एवं पत्रकार रीता प्रसाद के करकमलों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। डॉक्टर्स डे पर अवसर पर नीमा एसोसिएशन मुरादनगर के नगर अध्यक्ष डॉक्टर तोमर एवं महासचिव डॉक्टर फहीम सैफी ने अपने अपने क्लिनिक पर निशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर राजपाल तोमर एवं पत्रकार रीता प्रसाद के करकमलों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजपाल तोमर ने कहा कि समाज को चाहिए कि डॉक्टरों के प्रयासों की सराहना करते रहें, उन्हें समाज सेवा के मार्ग पर गर्व से चलने को प्रेरित करते रहें। डॉक्टर डे के अवसर पर डॉक्टर फहीम सैफी ने घोषणा की कि महिलाओं के सम्मान एवं अपने पिता की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर प्रत्येक माह की पहली तारीख को क्लिनिक पर आयोजित किया जाएगा और इस कैंप का आयोजन आजीवन किया जाएगा। गाजियाबाद से रिजवान अंसारी के साथ अफशारुल्लाह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर्स डे पर क्या स्पेशल है, क्यों डॉक्टर्स डे पर आज कुछ आप नियुक्त कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? डॉक्टर्स डे पे नीमा मुरादनगर की तरफ से हमने ये प्रोग्राम रखा था कि सभी डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर डे पे सभी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, तो इनमें से कुछ डॉक्टर कर भी रहे हैं और हमने और डॉक्टर फहीम साहब हमारे जो है महासचिव हैं, हमने ये तय किया है कि हमेशा जो है हर महीने एक फ्री कैंप का हम आयोजन करेंगे। उसमें हमारी जो है परामर्श जो है फीस होती है वो फ्री होगी और प्लस जो गरीब पेशेंट होंगे उन्हें हम दवाई भी अपने पास से मुफ्त देंगे। तो डॉक्टर साहब, हर महीने पहली तारीख, क्या ये जो चीज है, जो एक शुरुआत है निशुल्क को लेकर, क्या इस चीज को आगे भी बढ़ाया जाएगा या फिर ऐसा लगता है क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो है हर मंथ कुछ अलग देखते हैं कमाने के लेकर या सीजीओ, एक ही दिन तारीख क्यों? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि एक दिन फिक्स हो जाना चाहिए जिससे आम लोगों को पता चल जाए कि डॉक्टर साहब उस दिन फ्री देखेंगे, जिससे ये भ्रांत वो ना हो कि आप पता नहीं किस दिन फ्री देखेंगे किस दिन फीस लेंगे। तो हमने तय किया कि फर्स्ट तारीख को ही है उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको चिकित्सा करेंगे उसके लिए। डॉक्टर फहीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज जो आपने शुरुआत की है निःशुल्क को लेकर, क्या ये शुरुआत कैसे आई दिमाग में और क्या इसकी तैयारी? एक्चुअली हमारे अध्यक्ष जी से मुझे प्रेरणा मिली है। मैं बता दूं कि जब से मैं इनकी छत्र छाया में आया हूं तो मुझे कुछ नया करने का जुनून रहता है कि मैं चाहता हूं कि कुछ नया करूं, समाज के लिए नया करूं। तो मेरी प्लानिंग यही थी कि आने वाले टाइम में देखो हम लोग जो है पूरे महीने कमाते हैं अपने लिए, तो एक दिन जो है समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए निःशुल्क तो होना ही चाहिए। तो कहीं मैं समझता हूँ कि ये अपना पेशा जो है ये इसे पेशाना बनाकर इसे जो है समाज सेवा के दायरे में ही आना चाहिए जो अपना चीज। तो आपने जो शुरुआत की है, क्या लगता है कब तक ये आगे चलता रहेगा, कब तक इसकी कार्रवाई चलती रहेगी? मैं इसे इंशाल्लाह चलाता रहूंगा, पूरे जो है हर महीने की पहली तारीख को फ्री मेडिकल कैंप लगाऊंगा और निःशुल्क ही देखा करूंगा, परामर्श निःशुल्क दिया करूंगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम तक क्या लॉन्ग लास्ट, बल्कि जो जो नई जनरेशन आएगी मेरी उसे भी जो है मैं ये ताकीद करके ही जाऊंगा इंशाल्लाह कि जो पहली तारीख को ये कायम रखें और बराबर इस तरीके से एक्टिविटी होती रहे समाज के लिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है कि इस चीज से क्या एक इम्पैक्ट बनता है जनता के लिए और डॉक्टर्स के बीच रिलेशन को लेकर? नहीं, जैसा कि आजकल जनता में एक भ्रांति हो रही है कि डॉक्टर्स के खिलाफ, जैसे पहले डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड मानते थे, लेकिन हमारे प्रोफेशन में थोड़ी कमी आई है, इसलिए डॉक्टर को आजकल बहुत अवसाद भी कहने लगे और घटनाएं भी इस तरह होने लगी कि वो अपना उसको शुभ चिंतक नहीं मानते, हितैषी नहीं मानते। वे समझते हैं कि डॉक्टर तो एक पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और सेवा भाव उनमें नहीं रहा है, लेकिन हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम चिकित्सक हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी मानवता की सेवा करना चाहते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि इससे और डॉक्टर भी हमारे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, हमें बहुत बहुत खुशी होगी।